हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फोकस ट्रेडर, जो पहले व्यान चार्ट एनालिसिस के नाम से जाना जाता था गाइस। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लेवल क्या होने वाले हैं, इंट्राडे शॉर्ट टर्म पोजिशनली क्या टारगेट आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, एंड इसके अंदर आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड बेस्ट स्ट्रेटजीज। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस। तो इसके अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एंड टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर मैं आपको इसके अंदर क्या लेवल होंगे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। तो गाइस, मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स बताने से पहले आपको एक बात बता दूं कि यहाँ कि मैं आपको किसी भी प्रकार का बाय एंड सेल रिकमेंड नहीं करूँगा एंड आपके लॉस एंड प्रॉफिट का मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी। वो आपका पर्सनली होगा, जो भी आप बाय करते हैं सेल करते हैं, मैं इसके लिए यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही मेरी कोई जवाबदारी होगी इस चीज़ की। तो चलिए गाइस, मैं आपको जल्दी से आपको इसके अंदर क्या लेवल होंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, ये जो मैंने ट्रेड लाइन, मैं आपको वन वीक के चार्ट पे लेकर चलता हूँ एक बार, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसके अंदर जो चल रहा है ना, ये ड्रामा जो क्या है इसके अंदर, जो ड्रामा चल रहा है। तो गाइस, अगर मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा ना, तो आपको वो है ना अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये गाइस देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर 20 सितंबर 2021 इसने क्या किया, यहाँ से इसने एक बाउंस किया एंड 67,152, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने हाई लगा करके फिर ये डाउन आया, फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक कुछ टाइम के लिए, फिर इसने यहाँ से 7 फरवरी 2022 यहाँ से फिर इसने बाउंस किया, फिर इसने इसका जो लो था, इसका जो हाई था, इसको ब्रेक किया एंड नया लो तो एंड नया हाई तैयार किया इसने, इसका जो हाई था, इसने इसके हाई को ब्रेक किया एंड न्यू हाई बनाया। गाइस, फिर से इसने क्या किया, यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद गाइस ये फिर जो एक नीचे, ये जो एक नीचे है ना, यहाँ पे एक डिमांड जोन था गाइस ये वाला, और ये डिमांड जोन काफी बड़ा डिमांड जोन है ये वाला, जहां से मार्केट यहाँ से नया हाई बना करके फिर डाउनफॉल किया एंड फिर डिमांड जोन के अंदर काफी टाइम तक इसने अपना जो टाइम था स्पेंड किया यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। यहाँ से इसने क्या किया, 7 नवंबर 2022 यहाँ से इसने फिर एक बाउंस किया, और इसने जो जो प्रीवियस जो उसके डे थे, उसके जो लो थे, उसका जो हाई था, इसने उसके हाई को भी ब्रेक किया एंड यहाँ पे न्यू जो सप्लाई जोन था, इसने वो न्यू सप्लाई जोन को क्रिएट किया यहाँ पे, जो ये मैंने लगाया हुआ है गाइस इधर, ये इसने न्यू सप्लाई जोन को यहाँ पे तैयार किया गाइस। ये यहाँ पे जो इसका जो हाई था यहाँ पे 70,000 से अबाव था यहाँ पे, फिर इसने क्या किया गाइस, यहाँ से फिर इसने डाउनफॉल किया एंड जो इसका एक नॉर्मल जो डिमांड जोन था, वहां से इसने फिर एक बाउंस किया 13 मार्च 2023 को, और इसने बहुत बड़ा हाई लगाया एंड सबसे जो इसका हाई था 77,234, ये इसका हाई था जो इसने हाई लगाया था। और मैंने जो इसके अंदर ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, इसके हाई को लेकर के ड्रॉ किया है गाइस, ये जो इसका हाई है ना, इसके हाई को लेकर के मैंने इसके ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया है। तो आप इसके अंदर गाइस एक चीज देख पा रहे होंगे, मार्केट ने, थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर लेता हूँ, मार्केट ने क्या किया गाइस, ये जो एक सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ट्रेड लाइन को यहाँ पे इसने टच किया, फिर थोड़ा सा बाउंस किया, लेकिन जो कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो थोड़ा सा बुलिश की तरफ ही ज़्यादा इसका रुझान हुआ था, बुलिश की तरफ ही हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी नेक्स्ट वीक के अंदर, वो कैंडल बेरिश कैंडल बनी, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग भी हुई थी और ओपनिंग हुई थी वो डाउन साइड में और एंड सप्लाई जोन के अंदर जाके इसकी क्लोजिंग हुई थी गाइस यहाँ पर।
फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट जो कैंडल बनी इसके अंदर वो कैंडल डिमांड जोन से एंड ऊपर, लेकिन ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाई गाइस, वो नीचे ही क्लोज हो गई। फिर इसने क्या किया गाइस, जो इसके नेक्स्ट वीक की जो कैंडल थी, देखिए गाइस मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ कुछ चीज को, तो आपको इजी आपको समझ में आएगा कि कैंडल जो होती है ना, कैंडल से आप किस तरह से मार्केट को पकड़ पाओगे। तो गाइस ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसने इसके जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी इसके हाई को ब्रेक किया एंड न्यू न्यू वीक के अंदर जो इसने कैंडल तैयार किया ये वाला, ये इसके हाई को ब्रेक करके यहाँ पे बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो इसने नेक्स्ट जो वीक था वो डाउन, वो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया गाइस। एंड अब जो कैंडल बनी हुई है गाइस, अब जो वीक स्टार्ट है, जिस वीक के अंदर अब मार्केट रन कर रहा है, अभी क्या हो रहा है गाइस, इस जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है ना, एंड जो जो वीक जिस वीक के अंदर भी मार्केट रन कर रहा है ना, ये इसके हाई को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता नहीं कि ये इसको इसके हाई को ब्रेक कर पाएगा। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से है ना, दोबारा से है ना, दोबारा से गाइस ये नीचे आने वाला है, यहाँ से नीचे आने वाला है, एंड ये 70,000 को दोबारा से टच करने वाला है गाइस। मेरा जो ओपिनियन, माई कन्विक्शन, माई एनालिसिस, मैं जो कैंडल को जो पढ़ रहा हूँ ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है ना दोबारा से फिर नीचे आने वाला है 70,000 के पास यहाँ पे। और गाइस मैं जो आपको लेवल्स जो आपको मैं बताता हूँ मार्केट के अंदर, ये ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है ना, पेपर वर्क कि आप अपने, ये मेरा पेपर वर्क होता है कि मैं आपको पेपर वर्क के बारे में बताऊँ कि पेपर वर्क, ओनली फॉर पेपर वर्क, माई एनालिसिस एंड माई ओपिनियन। मैं यहाँ पे आपको बाई सेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए आपको मैं ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या होने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये जो क्लोजिंग होगी ना, अब भी मैं आपको इस चीज को 1 वीक के चार्ट पर दोबारा लेकर चलता हूँ कि आपको और क्लियर और डीपली आपको समझ पाओगे कि किस प्रकार से वन वीक का जो चार्ट है एंड उसको 1 डे के चार्ट पे अप्लाई करना। देखिए गाइस आप है ना किसी चीज को अगर चार्ट को हर एंगल से बोलते हैं ना कि चार्ट को है ना आप अगर हर एंगल से नहीं देखोगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो छूट जाती हैं इसके अंदर से, और हम उस चीज को छोड़ने से है ना हम इसके अंदर मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर जाते हैं इसके अंदर। तो मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट को हर एंगल से देखना बहुत ही जरूरी होता है गाइस इसके अंदर। अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पर लेकर चलूं, तो आपको यहाँ पे ये जो एक जोन है ना, ये वाला जोन जो दिख रहा है आपको, ये जब तक इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करेगा एंड सस्टेन नहीं करेगा यहाँ पर गाइस, ध्यान से सुनना, जब तक ये इसका ब्रेकआउट एंड सस्टेन नहीं करेगा ऊपर यहाँ पे, इस जो मैंने ट्रेड लाइन लगाया हुआ है, जब तक ये गाइस ये ना तो अपसाइड जाएगा और ना ही बुलिश होगा। और अगर आप ये 1 डे के कैंडल भी देख पा रहे हैं ना, तो ये जो कैंडल बना हुआ है ना, ये वाला ग्रीन कलर का ये कैंडल एंड इससे जो नेक्स्ट डे का जो कैंडल है, ये देख रहे बॉडी, इसकी जो बॉडी है ना कितनी छोटी, बॉडी कितनी छोटी है, एंड जो ऊपर से जो वीक है ना इसकी वीक कितनी बड़ी वीक है इसकी, और नीचे छोटी देखो कितनी छोटी सी नीचे वीक है इसके। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, बायर्स तो हैं लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी काफी ज्यादा है। और नेक्स्ट डे की जो आज का डे है, जिस मैं आज वीडियो जो बना रहा हूँ इसके अंदर, आज के डे की जो कैंडल है अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है इसके अंदर, लेकिन आपको इसके अंदर पता लग रहा होगा कि जो कैंडल है ना, जो प्रीवियस डे की जो कैंडल है उससे भी नीचे जा करके बनी है, एंड विक भी इसकी काफी बड़ी है अभी तक। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, ये अभी नीचे आने वाला है, एंड अगर ये है ना वापस से अगर ये 72,000 से नीचे निकलता है ना, तो आपको ये 70,000 के अंदर एंड ये डिमांड जोन के अंदर फिर वापस आ जाएगा गाइस। ये ठोक के कह रहा हूँ गाइस इसको, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको इस तरह से एनालिसिस करके बताएगा, ठीक है ना, इतनी डीपली। तो चलिए गाइस वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद ट्रेडर्स।